factors influencing immunogenicity or contribution of the immunogen. Now, immunogen, जैसे हमने देखा कि एक ऐसा molecule है, एक ऐसा substance है जो कि immune response को activate करता है, immune response generate करता है. अब उसकी वो ability immune response को activate करने की या immune response generate करने की, that would be called as immunogenicity. अच्छा, अब how different factors they are affecting on the immunogenicity. तो उसमें एक important factor जो है वो contribution of the immunogen, how it can contribute, कि वो कितना अच्छा immunogen है. अच्छा immunogen है, moderate immunogen है या weak immunogen है, किस base पे, किन factors की base पे हम कह सकते हैं. So there are number of factors are being involved in the regarding the contribution of the immunogen for its immunogenicity. So these are the important factors. The first one is foreignness. Foreignness, there are the two things. Ek cheez hai ke kuch molecules self molecule hain body mein aur kuch non self. Self molecule se murad aise antigens hain ya aise molecules hain jo apne cells ke hain, wo body unko as a self consider karti hai. Lekin agar koi infectious agent या इन्वेडिंग एजेंट जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, जो बॉडी का पार्ट नहीं है, दोज वुड बी कॉल्ड एज नॉन सेल्फ, और उनको दूसरा नाम फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन यू कैन से डेट मॉलिक्यूल कहते हैं. ये सेम लाइक इसी तरह है कि जैसे अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चले जाएं तो वहां पे आपकी नेशनैलिटी नहीं है तो यू वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं, वो सेल्फ कंसिडर होंगे. इसी तरह ये फॉरेननेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, के वो जो इम्यूनोजिन जितना ज्यादा फॉरेन होगा, उसकी मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की जो सेल्फ मॉलिक्यूल के साथ सिमिलैरिटी जितनी कम होगी, डेट वुड बी मोर इम्यूनोजेनिक. और अगर उसकी सिमिलैरिटी सेल्फ के साथ है तो इट वुड बी लेस इम्यूनोजेनिक. सो यू कैन सी डेट the immunogenicity of the immunogen is based on the foreignness, the extent of the foreignness of the immunogen. The second important thing is chemical composition. The chemical composition means, as you know, that there are certain chemical compositions, like structures ki baat karte hain hum, ke कॉम्पोजिशन में आप देखते हैं, स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की यू कैन टेक द एग्जांपल्स, के प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो हेलिकल है, या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है उसमें दो डिफरेंट शीट्स आर इन्वॉल्व, टर्शरी स्ट्रक्चर में थ्री डिफरेंट एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल दे आर गोइंग टू, जैसे जैसे यू कैन से डेट प्राइमरी से क्वार्टनरी की तरफ जाते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो प्राइमरी इज सिंपलर वन, सेकेंडरी इज लेस सिंपल, ओके, और टर्शरी इज लेस सिंपल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी बट मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू सेकेंडरी. एंड क्वार्टनरी जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके. तो जैसे जैसे जो इम्यूनोजिन है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वैसे ही उसकी इम्यूनोजेनिसिटी भी बढ़ती जाएगी. तो इसका मतलब है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर सिंपल हैं या कॉम्पोजिशन सिंपल है, दे आर लेस इम्यूनोजेनिक एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इम्यूनोजन इज द फिजिकल फॉर्म, ओके, फिजिकल फॉर्म ऑफ द इम्यूनोजन और एंटीजन. दैट मीन्स दैट इफ वी कैन सी दैट द फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म से क्या मुराद है, फिजिकल फॉर्म की मुराद है कि वो एंटीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फिजिकली किस फॉर्म में प्रेजेंट है. अब देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स, एक फॉर्म जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट एंटीजन्स या पार्टिकुलेट इम्यूनोजन, के मींस वो एंटीजन इम्यूनोजन जो है वो किसी पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये एक एंटीजन है, ओके, दिस वन, दिस एंटीजन, इसे ए जी से मैं मैंशन कर रहा हूं, तो ये एंटीजन इस बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर पड़ा है और बैक्टीरिया एक पार्टिकल के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो इट वुड सर्व एज एन पार्टिकुलेट एंटीजन. तो जो पार्टिकुलेट एंटीजन है दोज आर मोर इम्यूनोजेनिक, उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी की एबिलिटी ज्यादा है. ऑन दी अदर हैंड सोल्यूबल एंटीजन,
अब सोल्यूबल एंटीजन क्या है कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अगर कोई सिक्रीटरी मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है, जैसे एक टॉक्सिन लाइक दिस, ये एक मॉलिक्यूल है, इसे हम बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कहते हैं, और ये बैक्टीरियल टॉक्सिन अब इस बैक्टीरिया का हिस्सा नहीं है, ये बैक्टीरिया से सिक्रीट आउट हो चुका है, और लेकिन ये सिक्रीट आउट होके कहाँ जाएगा, ये होस्ट में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सिक्रीशंस हैं लाइक ब्लड है या टिश्यूज की जो सिक्रीशंस है उसमें ये सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज सोल्यूबल एंटीजेंस। ओके, तो सोल्यूबल एंटीजेंस आर लेस इम्यूनोजेनिक एज कंपेयर टू पार्टिकुलेट एंटीजेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट द फिजिकल फॉर्म और फिजिकल स्टेटस ऑफ द इम्यूनोजेन डिटरमिन्स द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द इम्यूनोजेन। And the last important factor regarding to immunogenicity is the degradability. Means के जब वो immunogen body में enter हो, host में enter हो, तो host का immune system activate हो। अब अगर host का immune system अगर उसे easily degrade करता है, अगर easily degradability है, मतलब वो easily degrade हो जाता है body में enter होने के बाद, तो वो more immunogenic होगा। लेकिन अगर उसकी degradability थोड़ी मुश्किल है, मतलब इट टेक्स मोर टाइम, सो इट वुड लेस इम्यूनोजेनिक। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ वैक्सीन्स। अब जो वैक्सीन्स हैं वो इम्यूनोजेनिक होती हैं, जो बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए ऐड की जाती हैं। अब अगर एक वैक्सीन बॉडी में एंटर अगर हो रही है वो इजीली डिग्रेड हो जाए तो इट वुड बी मोर इम्यूनोजेनिक, बट अगर इट नीड्स मोर टाइम फॉर डिग्रेडेशन तो दैट वुड बी लेस इम्यूनोजेनिक। So all of these factors, they are contributing regarding or influencing the immunogenicity of the immunogens.